पार्टी कह रही है कि भाजपा तरल का किला ढह देगी इस बार? मैं समझती हूँ, पिछली बार भी जो लोग 80 में से 80 की बात कर रहे थे और जब रिजल्ट आया तो हम सबने देखा कि किस तरह पूरे प्रदेश की और देश के लोग हैं वो भाजपा की जो नीतियां हैं उनके खिलाफ हैं, और सब लोग एक साथ आए और मैं समझती नतीजे हमारे सामने थे। और इस बार जो असेंबली के जो 10 उपचुनाव फिर से होने जा रहे हैं उसमें भी हम देखेंगे कि बहुत ही अच्छे नतीजे आएंगे। जानकारी दी है लगातार जो चुनाव हुए हैं यहाँ पे 2017 के बाद से लगातार शासन और प्रशासन का चुनाव को जीतने का प्रयोग किया गया है, और जहाँ हम पहले बात ये समझ नहीं पा रहे थे लेकिन आने वाले चुनाव में हम पूरी तरह इस रणनीति से वाकिफ हैं और किस तरह वे दूसरे विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं जो संगठन के लोग हैं उनको सताते हैं इस नीति से भी अब सब इनका जो ये चक्र है उसके बारे में जान गए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस चक्र को भेदने में समाजवादी पार्टी सक्षम है और भेद पाएगी। बाई इलेक्शन की बात करें तो 10 को चुनाव होने वाला है, क्या परिणाम रहेगा? मैंने पहले भी कहा है कि जिस तरह युवाओं ने, महिलाओं ने, हमारे किसानों ने और हमारे महिलाओं ने समाजवादी पार्टी का साथ दिया है, आने वाले समय में भी मुद्दे यही रहेंगे कि नौकरियां चाहिए बच्चों को, कि सस्ती बिजली चाहिए, किसानों को राहत चाहिए, इन्हीं मुद्दों के साथ हम चुनाव में जाएंगे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना, वो भारत में आने के बाद मोदी ने सर दिए, इसलिए कहा है कि मैं समझती हूँ कि क्योंकि उन्होंने सहायता मांगी थी और वो हमारे देश के साथ लगातार बांग्लादेश के अच्छे संबंध रहे हैं, और जब सहायता मांगी गई है तो सरकार ने सहायता दी है। मैं समझती हूँ पूरा देश इस फैसले में जो लिया गया है, मैं समझती हूँ साथ है सरकार के साथ है। सरकार कह रही है कि अहमद के लड़के के एनकाउंटर के बाद सपा सांसद रुचि वीरा ने आपत्ति जताई है, जिन पुलिसकर्मी शामिल थे उनको सम्मानित किया गया है, ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक। समझती हूँ जो मौजूदा सरकार है लगातार चाहे बुलडोजर हो तो ये संदेश दे रही है कि जो हम भय की राजनीति का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन अब लोग जागरूक हैं और जो ये संदेश देने का काम कर रहे हैं, हमने देखा मैनपुरी में भी किस तरह बुलडोजर ला के ये संदेश दिया गया था भय की राजनीति का। और मैं सभी मैनपुरी के सभी जनों को धन्यवाद देना चाहूंगी क्योंकि आप सबकी वजह से ही आज समाजवादी पार्टी और मैं आप सबके बीच में मजबूती के साथ खड़ी हूँ, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार भी कहना चाहूंगी आप चैनलों के माध्यम से। सरकार सवाल उठा रही है कन्नौज में रेप पीड़िता के लिए समाजवादी पार्टी कोई लड़ाई नहीं। सभी महिलाओं की हक की लड़ाई के लिए समाजवादी पार्टी हमेशा साथ देगी, और क्योंकि अब यह केस पुलिस के हाथों में है और दोनों ही भाजपा जो है एक ऐसी पार्टी है जो संवेदनहीन पार्टी है, इनको महिलाओं के मुद्दे से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये चाहते हैं कि जब इस तरह के महिलाओं के मुद्दे आए तो उसका राजनीतिकरण कैसे हो और उसका लाभ कैसे उठाया जाए। इस रणनीति के तहत, उस मानसिकता के तहत भाजपा सदैव काम करती आई है, लेकिन जो मूलभूत जो असुविधाएं हैं, जो महिलाओं के जो इश्यूज हैं, उस पर कभी इस पार्टी ने बात नहीं करी भाजपा ने। तो मैं समझती हूँ इसी के तहत समाजवादी पार्टी हमेशा महिलाओं के साथ खड़ी दिखाई दी है और आने वाले समय में खड़ी दिखाई देगी। मैडम, कोलकाता में डॉक्टर महिला डॉक्टर के दुष्कर्म के बाद अभी तक वहां पर आरोपियों पर कार्रवाई नहीं है, क्या नहीं है? मैं समझती हूँ यह कानून का मसला है, फांसी की मांग करिए तो ये तो जज और कोर्ट डिसाइड करेगा क्या सजा दी जाती है, लेकिन क्योंकि अपराध इतना बड़ा है तो हम सभी चाहेंगे कठोर से कठोर इसमें कार्रवाई हो और सजा मिले। मैडम, आखिरी सवाल, कन्नौज में नवाब सिंह यादव का मामला चल रहा है, उसमें बीजेपी के नेताओं कहना है कि आपके प्रतिनिधि हो रहे हैं। मैं समझती हूँ 2019 में मैं चुनाव हार गई थी, और जो जिनकी बात आप कर रहे हैं समाजवादी पार्टी का, काफी सालों से इस व्यक्ति के साथ कोई रिश्ता नहीं रहा है, ना ये पार्टी के लिए काम कर रहे थे, ये लगातार भाजपा के संपर्क में थे और लगातार अच्छे संबंध इनके भाजपा के लोगों के साथ थे, और आज जिस तरह हम देख रहे हैं कि एक दूसरे पे वार और प्रतिवार हो रहा है कि इसमें हमें फंसाया है या उसने फंसाया है, तो मैं समझती हूँ उसकी कार्यवाही होनी चाहिए, और जो भी परिणाम निकले कार्यवाही के बाद तो मैं समझती हूँ उसमें पनिशमेंट भी मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश के
इस तरह का घटनाक्रम सामने आ रहे हैं देखने में, उनका आरोप है कि विपक्ष इसलिए उसमें चुप्पी साधे हुए, कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति कर रहा है विपक्ष, कहीं उनका वोट ना खिसक जाए। कहीं भी किसी भी तरह की हिंसा किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी समुदाय के साथ नहीं होनी चाहिए, ऐसा मानना समाजवादी पार्टी का है, मेरा है, और मैं समझती हूँ हम सभी के दिलों में जो करुणा का भाव है, मैं समझती हूँ हम सब ये बात मानते हैं कि किसी भी समुदाय के खिलाफ किसी भी व्यक्ति के साथ हिंसा भाव और हिंसा नहीं होनी चाहिए। कल प्रधानमंत्री जी ने स्पीच में वन नेशन वन इलेक्शन की बात फिर से दोहराई है। हाँ, GST की बात कही गई थी कि वन टैक्स वन नेशन वन टैक्स होगा। आज हम सभी जानते हैं GST का क्या हाल है, क्योंकि आज मैं इनॉग्रेशन करने भी यहाँ व्यापारियों के लिए ही आई हूँ, जैन समाज के लोग दुकान को इनॉग्रेशन करने हम यहाँ पे आए हैं, तो हम सभी समझ रहे हैं और सभी व्यापार के लोग भी ये समझ रहे हैं कि वन नेशन वन टैक्स के माध्यम से जिस तरह पूरे देश को धोखा दिया गया था, वही वन नेशन वन इलेक्शन के नाम से भी देश को धोखा देने की बात कहीं ना कहीं चल रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए समाजवादी पार्टी, मैं समझती हूँ कि हमारी आज की जो मूलभूत जो समस्या है, आज देश की जो समस्या है, मैं समझती हूँ वो बेरोजगारी है, वो महंगाई है, वो हमारी महिलाओं की सुरक्षा का मामला है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं लगातार महिलाओं के साथ अपराध बढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हो या पूरे देश में हो, और ये हम पक्ष प्रतिपक्ष नहीं कर रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं तो बढ़ रहे हैं, लेकिन किसी भी सरकार के द्वारा कोई भी कठिन कदम या कोई भी कठोर कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। मेरी ये मांग है सरकार द्वारा कि कठोर से कठोर कदम उठाए सरकार।